मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं ना, सच्चाई को कितनी भी दीवारों के पीछे छुपा लो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। महाकाल में जनेऊ और भगवा पहने हिंदू होने का पाखंड करने वाला ये वही राहुल गांधी है जो अब ये कह रहा है कि मंदिर में रखी मूर्तियों में ताकत नहीं होती है। सनातन के प्रति कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन की ये नफरत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने सनातन को अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। राहुल गांधी के साथी उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। எதிர்க்க முடியாது கொசு டெங்கு காய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்க கூடாது ஒழித்து கட்ட வேண்டும் அப்படிதான் இந்த சனாதனம் சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும் ஏசிகி பார்ட்டி கே தூசரே நேதா நே சனாதன் தர்ம் கு எச்ஐவி ஆர் குஷ்ட ரோக் பதாகர் அப்மானித் கர்னே கா காம் கியா தா சொன்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுவு இருந்தது இப்ப ஹச்ஐவி இருந்தது எங்களை பொறுத்தவரை ஹச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் காங்கிரஸ் கே கட்சபந்தன் மே ஷாமில் டிஎம்கே நேதா டிஆர் பாலு நே தோ खुद ही बताया था कि उसने अपने क्षेत्र में 100 साल पुराने 3 मंदिरों को केवल सनातन से नफरत की वजह से तोड़ दिया था। 100 वर्ष कोई नहीं थे वे टीआर बालू बेंगलुरु में येडी तोड़ दिए सर सरस्वती कोये लक्ष्मी कोये खैर कांग्रेस और उसके साथियों की आदत नई नहीं है। इन पाखंडियों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जिसे सनातन संस्कृति से नफरत हो, जैसे कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ही देखिए। इन्हें सनातन प्रतीक तिलक से इतनी नफरत है कि टीका लगाने से भी साफ इनकार कर देते हैं। कुछ ऐसा ही काम कलंकनाथ के बेटे और कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने भी किया था। इन महाशय ने तो विशेष समुदाय इलाके में पहुँचते ही अपने माथे से तिलक मिटा दिया था। अरे ये घमंडिया गठबंधन जिस सनातन को खत्म करने की बात करता है उसे ना मुगल समाप्त कर पाए थे और ना ही अंग्रेज हमारे सनातन का बाल भी बाका कर पाए थे, उसको ये हिंदू विरोधी क्या खाक खत्म कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सनातन को खत्म करने की सोचते सोचते इस ठगबंधन का ही अंत हो जाए।